Good morning, friends. So today we are going to Kaziranga to see one horned rhino, and let's see if we can sight tiger also here. So let's try our luck. It's 7 a.m. in the morning and we are starting from Dibrugarh. It's approximately 250 kilometers. So 5 ghanta lagna chahiye. So let's get started. वेलकम टू सिपसागर. ये सिपसागर टाउन है और मेरी मम्मी का बर्थ प्लेस सिपसागर में शिव हिबोडोल आरो रंगघर कारेंघर दीज आर ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस तलातल घर ये सब है. सो दिस ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ वन सिंगल स्टोन. ये ढेकियाखवा नामघर है. तो मम्मी से पूछते हैं कि क्या हिस्ट्री है. हमारे ढेकियाखवा नामघर है. यहाँ माधवदेव गुरुजना आहिसिल आहुते एहाल बुढ़ा बुढ़ी आसिल तात ढेकियाखवा नामघर जगह ठाई बुढ़ा बुढ़ी बड़ दुखिया आसिल तेओलोके माधवदेवक ढेकिया हाकेरे एखाज खुआइसिल हेकारणे ए নামঘৰৰ নাম ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ হ'ল. নাও উই আৰ ইন বোকাখাট নিয়াৰ কাজিৰঙা এৰাউণ্ড 25 kilometers অৱে ফ্ৰম দ্য মেইন কাজিৰঙা গোৱাৰা ৰেঞ্জ. বোকাখাট মে পেৰা বহুত আচ্ছা মিলতা হে. আমাৰ অসমীয়াত কয় পেৰা. পেৰা বহুত ভাল পায়. এইবোৰ চক সাইডে সাইডে সুভিনিয়ার্সৰ দোকানবোৰ আছে. ইউ কেন বাই সুভিনিয়ার্স ফ্ৰম হিয়াৰ লাইক এনিমেলস কে উড মে বনায়া হোৱা ছোটা ছোটা সুভিনিয়ার্স হে. রাইনো মিল ৰা হে. সো অভি ৰুকে হে লাঞ্চ কে লিয়ে. ইটস 12 o'clock এন আর রিজর্ট. হম লোক নে অভি লাঞ্চ অর্ডার কিয়া হে ভেজ থালি. तो फटाफट खाएंगे और चले जाएंगे. आपको दिखाते हैं सुवीनियर का शॉप है. तो लेट्स गो एंड चेक आउट. ये तो वो है. दिस इज क्या बोलते हैं टी चाय का चाय पत्ती का ब्रांच है मतलब. SMS thali. We have dal, some sabji, some khar, saag hai. Ye hai bagan fry. Hamare luck bahut hi kharab hai. Na Ranthambore mein tiger nahi dikhi. Jim Corbett mein tiger nahi dikhi. Abhi Kaziranga mein agar rhino nahi dikhegi to ye दिखेगा दिखेगा. इस समय इस बार ये गेंडा स्वामी जा रहा है गेंडा से मिलने. तो तो मोस्ट प्रॉब्ली भाई भाई भी से मिलने आएगा ना है. सो फाइनली वी आर गोइंग इवनिंग सफारी. इट्स 1:30 PM नाउ. अभी हम लोग टिकट काउंटर पे है जीप सफारी. हम लोग सेंट्रल रेंज पे जा रहे हैं कोहरा सेंट्रल रेंज. सो यहाँ पे जीप का जो कॉस्ट है वो अलग है. सो जीप कॉस्ट इज़ 2050 rupees. जीप कॉस्ट अगर आप गेट से जाते हो तो 2050. अगर आप होटल से पिकअप लेते हो तो 200 rupees एक्स्ट्रा. और प्लस पर पर्सन 100 rupees का है टिकट चार्ज. और अबव दैट यू हैव फॉरेस्ट टैक्स चार्जेस ऑफ रुपीज़ 300. और एक वेलफेयर सोसाइटी चार्ज भी है 100 rupees का. तो लगभग हम लोग को 2900 का ये कॉस्ट पड़ा है जीप सफारी का फॉर 4 people. तो
हमें वाटर बफेलो एशियाटिक मिला और एक राइनो भी मिला यहाँ पर, तो हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा दूर है लेकिन ये देखिए वाइल्ड एलिफेंट। सो फाइनली हमें एक और गैंडा मिला और इस बार पास से मिला, दिखाते हैं आपको। ये है फादर वॉचिंग अस एंड ये है मदर एंड द काफ। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, जस्ट लाइक अ सीनरी, नाइस। पूरा तैर के गया। अरे इतना बड़ा राइनो तैर सकता है? पूरा निकल जाता है। ओह ये सी इज कमिंग। ओह दे गोइंग टू फाइट। रो 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 रो। ओह देखो 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 देखो। ओह माय गॉड। गाइज आप लोग देख रहे हैं ना, इतना अच्छा व्यू फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे तो लगता है मेरे को। साउंड देखो। वो पीछे हो रहा है। मेल फीमेल है इसलिए लड़ा नहीं, या तो एक मेल है एक फीमेल है, लड़ा नहीं, वरना अगर हाँ दोनों मेल होते तो लड़ जाते। डिड यू सी दैट गेंडा पानी तैर के गया अपनी महबूबा को मना के लिए या फिर नई लड़की पटाने के लिए? क्योंकि अगर दोनों मेल होते तो लड़ मर गए होते अभी तक, टेरिटोरियल फाइट हो जाती। लेकिन देर वॉज वन मेल एंड वन फीमेल, मे बी दे आर ट्राइंग टू पटाफाई एंड देन मेक अ गुड फैमिली। सो बट हम लोग ने जो आवाज़ सुनी वो बहुत ही मस्त थी। क्या तेज़ दहाड़, मतलब उसकी दहाड़ कहेंगे या जो भी कहेंगे, बट दैट साउंड वॉज रियली रियली गुड। मज़ा आया ना पल्लवी? बहुत बहुत ही मज़ा आया, बहुत। मैं भी सेकेंड टाइम आई हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे देखा कि दो राइनोस फाइटिंग मोड में थे। कितनी सुंदर है। पीछे भी छोटे छोटे बैठे हुए कछुए, सब धूप सेक रहे हैं। ओ यहाँ पर तीन तीन कछुए, अरे वाह ब्यूटी, काजीरंगा में ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर। क्या भयंकर भारी पेड़ है, और ये एलिफेंट एप्पल का पेड़ है। ये तो पूरा जब जब पकता है लगा भी है एलिफेंट एप्पल, बहुत सारा लगा है एलिफेंट एप्पल, सो फेवरेट फूड ऑफ एलिफेंट। अब थोड़ा हम भी उतर के राइनो देखेंगे। अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो सब लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइगर निकला था लेकिन लोगों के शोर से सब अंदर चले गए फिर टाइगर। ये तो हमारे यूपी में जैसे गैया भैंसी हो। चिड़िया बच्चा होता तो भगा रहे। वो टस्कर है, वाह बॉटल। इट्स राइट नाउ 5:54
और आप गुप्त अंधेरा देखिए यहाँ पर असम में, क्या मस्त अंधेरा है, जैसे लग रहा है अपना बेंगलोर का रात का 9 बजे है, खा पी के और सो जाएंगे। हाँ चलेगा चलेगा, हाँ। बढ़िया, इसको थोड़ा सा आगे कर लें। चिकन लग्जरीज यहाँ का यमी खाना, फर्स्ट दे आर सर्विंग बेगन का भरता, बैंगना पिटिका इन असमीस, एंड देन होरू आलू फ्राई, स्मॉल बेबी पोटैटो का फ्राई, एंड देन रोटी, एंड दिस इज दाल। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे टू ऑफ काजीरंगा ट्रिप, इट्स 5:30 AM इन द मॉर्निंग, एंड वी आर ऑल रेडी फॉर एलिफेंट सफारी। चलो फिर एलिफेंट पे जाके सफारी करते हैं। एलिफेंट पे जाके बैठते हैं दोनों एलिफेंट। कोहरा ही कोहरा, कोहरा में कोहरा, कोहरा में कोहरा। हाँ, हम लोग इस समय कोहरा में हैं, कोहरा रेंज जो काजीरंगा का गेट है सेंट्रल वाला, और कोहरा में ही कोहरा हो रहा है, हो सकता नाम ही इसीलिए दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं बागोरी की तरफ, व्हिच इज अ वेस्टर्न रेंज ऑफ काजीरंगा, तो वहाँ से हम लोग एलिफेंट सफारी लेंगे। तो हमारे होटल से इट्स जस्ट 14 किलोमीटर्स एज पर गूगल। तो ये है बागोरी रेंज वेस्टर्न साइड का। मस्त कोहरा है, ठंड भी है। पल्लवी की हालत खराब। कितना अच्छा लग रहा है ना, बट तुम्हें डर लग रहा है? हाँ डर लग रहा है मुझे, इतना ऊंचाई में बहुत हाइट है। गीला कर दिया। ये देखिए राइनो एकदम पास से। वाओ। क्या है, पूरा इंजन जैसे चला रहा है। You can hear that? Oh, they are happy. They are so happy. Dosti yaari chal rahi hai. Just like bilkul jo purani Java wali nahi aati thi, ya Enfield Bullet, uska sound. Java ka. हाफ कर दो, हाफ या पूरा ही दे दो, पूरे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, पूरा दे दो, पूरा दे दो। वेरी गुड। चलो तो ठीक है, काजीरंगा आने का मेन मकसद था राइनो देखना, वन हॉर्न राइनो, तो वो देख लिया, कल तो बहुत देखे, आज दो दिखे। कोहरा था उसीलिए ज़्यादा साइटिंग नहीं हुई आज एलिफेंट सफारी में, बट हाँ पहले ही दो दिख गए थे। तो अभी जा रहे हैं होटल के पास, होटल में, और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलते हैं घर वापस। सो फाइनली काजीरंगा गेट्स अ थम्स अप। आई रियली लाइक दिस जंगल,
बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, डिफरेंट ग्रीनरी है, डिफरेंट है टोटल। मतलब जो आप वहाँ पर रणथंभौर या यूपी में लंबे लंबे वो ट्रीज देखेंगे, यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, मोटे वाले। लेकिन काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, और आप यहाँ पर आके वन हॉर्न राइनोज देख सकते हैं। बहुत पास से भी साइटिंग होती है, यू कैन गो वाया एलिफेंट सफारी, वरना जीप से भी देखता है। बहुत ही अच्छा है मतलब। और उसके अलावा आपको वाइल्ड एलिफेंट्स, एशियाटिक बफेलोज, वाटर बफेलोज, लॉन्ग हॉर्न वाले, और उसके बाद टाइगर अगर किस्मत है तो मिल जाएगा, बट देर आर मोर अदर थिंग्स। सो अच्छा लगा ओवरऑल। सो आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू कम एंजॉय एंड सी दिस काजीरंगा नेशनल पार्क। Yes. Say hi. Yes. Bola hi. Hi. I'm from Assam. I'm from Assam. In Adraj Gupta. Oh, very good. And what you are doing here? You came for a safari? Yes. Did you see elephant or rhinos? Yes, rhinos. Chalo. Na uncle shete ektu bhalo kore kotha bol. Uncle ke eshe pabe to you will be here for some. Okay. चलो चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं नीलोत्पल बड़ा हूँ। मैं एक्चुअली खेउज निवास का प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। मैं एक्चुअली छोटा मोटा एक तो होम स्टे मेरा पास है, आप लोग आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ काजीरंगा में होम स्टे प्रॉपर्टी खूब कमती मिलता है। आप लोग आके यहाँ देखिए मेरा प्रॉपर्टी ये है, होमली डिश यहाँ में एकोमोडेट करता हूँ। आप लोग जो आसाम का जो नॉर्थ ईस्ट का जो ट्रेडिशनल डिश है वहाँ मेरा प्रॉपर्टी में मिलेगा खाने के लिए। तो व्हाट एवर यू वांट, जीप सफारी, एलिफेंट सफारी, जो भी चाहिए मैं यहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ। और आइए नॉर्थ ईस्ट एक बार घूम के जाइए, एक बार काजीरंगा घूम के जाइए। वन है राइनो इज़ फेमस फॉर काजीरंगा, फिर बेटर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। सो ये थे जांटी बोरा यहाँ पर, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड वेरी नाइस प्रॉपर्टी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है विद इन काजीरंगा रेंज के अंदर ही है। और आपको सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बस इनको फ़ोन करना है, आपकी सारी सफारी बुक हो जाएगी, आपकी चाहे एलिफेंट सफारी हो या जीप सफारी हो। जीप इनके पास अपनी है तो यहीं से जाता है पिकअप ड्रॉप। सो बेस्ट स्टे हियर। सो आपको मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देता हूँ, सो दैट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कॉल हिम डायरेक्टली। सो ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, कोहरा में इनका रिजॉर्ट है, एंड जांटी बोरा एंड सेज निवास इज द रिजॉर्ट नेम। वाओ नाइस, ये जिंजर है यहाँ पर। ये कुंदरू गए ये वाला देखिए कितना सुंदर कलर है, वाइन कलर, सो नाइस। एंड दिस वन इज अ हाइब्रिड लेडीज फिंगर, और पिक्सी की आवाज़ आप सुन सकते हो, बच्चे दौड़ रहे तो शी इज गेटिंग एक्साइटेड। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, नेचुरल करके रखा है। आपको किंग ऑफ चिली दिखाते हैं, घोस चिली, भूत जोलोकिया। आइए देखते हैं, ये इसका प्लांट है और ये है, देखिए छू मत लेना नहीं आंखों में आ जाएगा, भूत जोलोकिया। चूना कत्था कुछ चाहिए, कैसा है टेस्ट, अच्छा है, हम कुछ दो
अरे अपना लखनऊ वाला पान मजा आ गया, मुझे मुंह में डालते ही हमारी आदत हो जाती है ऐसे बात करने के, पता नहीं क्यों। सो ये है पान, ये है तामूल। दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी फेमस इन असम। सबके मुंह में पान तामूल खाते रहते हैं सब लोग, चूना लगा के। तो फिर ये यही एक सुफारी है, ड्राई करके इसके अंदर से सुफारी निकलता है पान। तो हम लोग का टोटल बिल जो आया रहने का, सफारी का, एवरीथिंग इंक्लूडेड 13,600 चार लोगों का। तो क्वाइट बजट फ्रेंडली। 13,600 में चार लोगों का खाना, रहना, दो दो सफारी, एलिफेंट, जीप सफारी, मतलब व्हाट एल्स यू वांट। सो इट वाज अ प्रीटी नाइस डील। सो आई वुड रिकमेंड दिस सेजू निवास। बहुत ही फ्रेंडली ओनर है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली। जानती भैया, हाँ जानती बोरा। सो ही इज़ वेरी गुड। तो आप लोग आइए यहाँ पर, स्टे कीजिए, एंड वी हाईली रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी। बोकाखाट में पहुँचे, बोकाखाट का पेड़ा बहुत फेमस है, सो पेड़ा खरीदने जा रहे हैं। गाय बेच रहे हैं, अरे बाप रे, इतने सारे गाय, कितने की होगी एक गाय? सुरेश देखता तो खुश हो जाता। हम लोग जोरहाट में है अभी। जोरहाट में हमारे एक रिलेटिव के घर जा रहे हैं, और यहाँ पे ये देखिए क्या मस्त है, ये बैम्बू ट्रीज़ है पीछे हमारे पूरे। तो बैम्बू ट्रीज़ में हम लोग अभी ऐसे ही नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं, मस्त है। देखिए सब जगह बैम्बू ट्रीज़ है। गूगल को फॉलो करते करते अब रोड क्लोज्ड है, कैसे जाएं? अब यू टर्न करना पड़ेगा। गूगल ने तो धोखा दे दिया, सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू अनदर रोड। देखिए पूरा कच्चा रास्ता है, सो ऑफ रोडिंग हो गई है मस्त। ये जोरहाट में है, एंड हम लोग जा रहे हैं नोआली ढेकियाजुली, वहाँ पे हम लोग का रिलेटिव है तो उनके घर जा रहे हैं, लेकिन गूगल ने भटका दिया हम लोग को। नहीं, गूगल ने क्या भटकाया, वहाँ पर रोड क्लोज है। मैंने गूगल में डाल दिया रिव्यूज कि दिस रोड इज क्लोज्ड, सो नाउ इट विल बी शोइंग अप क्लोज्ड। सो अभी जोरहाट से निकल रहे हैं, रिलेटिव्स के वहाँ गए थे, तो वहाँ से अभी निकल के वी आर गोइंग टुवर्ड्स शिवसागर। So we are in Sipsagar now. It's a historical place. Right hand side is Rudra Sagar. So ye hai Joy Sagar, Sipsagar ka huge pond. It's one of the largest man-made pond. 318 acres mein phaila hua hai. Very beautiful. So this one is Tolatol Ghor in Sipsagar. So it's one of the Ahum architecture. So it has a underground tunnel where like people used to go inside the tunnel and reach Dikho. हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को अभी डिब्रूगढ़ के लिए लौटना भी है। मनीष को दिखाना चाह रही थी बट हमारे पास अभी टाइम कम है। और ये था रोंग घर। ये भी अहोम किंगडम का आर्किटेक्चर है। यहाँ पे ये इट्स लाइक अ एम्पी थिएटर, तो यहाँ पे राजा लोग बैठ के बफेलो फाइट्स देखा करते थे, बफेलो फाइट एंजॉय किया करते थे, मीन्स गेम्स एंजॉय किया करते थे उस ज़माने में। शिवदल, शिवदोल बोलते हैं, शिवदोल, ये भी पुराना ज़माने का आर्किटेक्चर है। शिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत लोग पूजा करने के लिए आते हैं। दिस इज राजमहल, लुक एट द ट्रैफिक, बहुत ही गंदा रोड कंडीशन है।